नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे अनार के बारे में, पोमग्रेनेट के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं अनार के संबंध में। तो शुरुआत करते हैं अनार की। तो अनार को बात करें तो अनार का भारत के अंदर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र के अंदर होता है, और वहां पे महाराष्ट्र के अंदर अनार की गणेश किस्म की बुवाई ज्यादातर की जाती है। और गणेश किस्म को ऐसा माना जाता है कि अनार के अंदर क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है, एक प्रकार का रिवोल्यूशन लाने का जो श्रेय जाता है, वह गणेश किस्म को जाता है। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी जो है अनार की खेती होती है, और ज्यादातर यह खेती जालोर जिले के अंदर की जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो है जालोर सीडलेस वैरायटी जो है काफी ज्यादा प्रचलित है अनार की, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अनार का वानस्पतिक नाम पुनिका ग्रेनेटम इसका नाम होता है। इसका कुल जो होता है वह पुनिक एसिड कुल के अंदर आता है। इसमें खाने योग्य भाग जूसी सीड कोट, रसदार टेस्टा या एरिल के नाम से जाना जाता है। इसका फल प्रकार ब्लास्टुला कहलाता है। ईरान का राष्ट्रीय फल है, क्योंकि अनार की उत्पत्ति वहीं से हुई है। सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता जो है अनार के अंदर पाई जाती है। प्रोटोगाइनी अर्थात मादा भाग पहले परिपक्व इसमें हो जाता है। नॉन क्लाइमेट्रिक फल के अंदर आता है। जैसे अपन जानते हैं जो फल खट्टे लगते हैं वे सारे नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं, अनार भी इसी के अंदर आता है। अनार का प्रवर्धन जो है हार्डवुड कटिंग से किया जाता है, जो इसकी व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि मानी गई है। इसमें शीर्ष जड़ फुटान के लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड की 3000 ppm मात्रा का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। अनार के केस में ज्यामिति जो है कतार से कतार और पौधे से पौधा 5 × 5 m रखते हैं। संदाई जो करते हैं बहुतना विधि, मल्टीपल स्टेम विधि इसमें काम में लेते हैं। इसकी किस्में कौन कौन सी है? अमली दाना आ गई, देन रूबी। रूबी के बारे में इसमें बात करें तो यह थ्री वे क्रॉस से विकसित की गई है। थ्री वे क्रॉस जो है इसमें काम में लिया गया है। यह IIHR हिसार घट्टा बेंगलोर से विकसित की गई इसकी किस्म है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। जालोर सीडलेस काफी फेमस है, जालोर के अंदर इसको बोया जाता है। डोलका, देन गणेश। गणेश महाराष्ट्र की इंपोर्टेंट किस्म है, जिसमें अपन कहते हैं कि महाराष्ट्र में अनार की क्रांति लाने का श्रेय इसको ही जाता है। मृदुला, मृदुला अनार की किस्म है, जबकि अर्का मृदुला जो अपन ने पढ़ी थी वह अमरूद की किस्म थी। देन बगवा या सिंदूरी, ये भी अनार की है। देन सोलापुर लाल, सोलापुर लाल के बारे में कहा जाता है कि यह जो है एनआरसी सोलापुर, कहाँ से विकसित हुई है? एनआरसी, इसके अनार की जो एनआरसी है वह कहाँ है? सोलापुर के अंदर है। सोलापुर से यह किस्म विकसित हुई है, और ये एक प्रकार की बायो फोर्टिफाइड, कैसी है? बायो फोर्टिफाइड है, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन सी जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सोलापुर लाल के अंदर। इसके बाद अनार का मुख्य नाशक कीट माना गया है अनार बटरफ्लाई, अनार की तितली, वीराचोला आइसोक्रेट्स। और इस अनार बटरफ्लाई की जो आपकी इसकी जो कैटरपिलर अवस्था होती है वह मुख्यतया इसके फलों को नुकसान पहुंचाती है, और इसके नियंत्रण के लिए पेपर से फलों को ढक दिया जाता है, जिसे बेगिंग या पेपर कवरिंग के नाम से जानते हैं, जो अनार में फॉलो किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अनार के अंदर फलों का फटना सबसे बड़ी भयंकर समस्या पाई जाती है, जो बोरोन की कमी से होती है। और मरक बहार में समस्या ये सर्वाधिक होती है कि उसके अंदर फल ज्यादातर फटते हैं। वैसे बहार नियंत्रण की बात करें तो अमरूद के अंदर अपन डिटेल में बात कर चुके हैं। अमरूद हो गया, अनार हो गया, नींबू वर्गीय फल हो गए, उसमें बहारें का नियंत्रण कैसे करते हैं। और यहाँ पे अगर नॉर्मली बात करें अपन अनार की, तो इसमें जो अंबे बाहर होती है उसमें पैदावार तो अच्छी प्राप्त अपने को होती है, लेकिन वो गुणवत्ता युक्त नहीं होती। मरक बहार की बात करें तो मरक बहार के अंदर फ्रूट के फटने की समस्या रहती है। हस्त बहार के अंदर इसकी अच्छी पैदावार, गुणवत्ता युक्त पैदावार प्राप्त होती है। इसलिए अनार के केस में सर्वोत्तम जो बहार मानी गई है वह आपकी हस्त बहार मानी गई है, जो अपने को ध्यान होनी चाहिए। अब इसमें से कौन सा पॉइंट है जो अपने को याद रखना ही है किसी भी हालत में, जो एग्जाम के केस में पूछा जाता है? तो सबसे पहला, भारत में इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। कौन सी वेरायटी है? गणेश है। राजस्थान में कहाँ होता है? जालोर सीडलेस, जालोर के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करें, इसका जो खाने योग्य भाग है एरिल है, फल जो है इसका ब्लास्टुला है,
इसके बाद बात करें इसका प्रवर्धन काफी इंपोर्टेंट है, हार्डवुड कटिंग से किया जाता है। इसके बाद आपको जो वेराइटियों में अगर बात करें तो मृदुला काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि अर्का मृदुला जो है अमरूद की है। देन बगवा या सिंदूरी भी काफी इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। देन जालोर सीडलेस और गणेश तो आपको ध्यान रखनी है। इसका मुख्य नासिक कीट जो है अनार की तितली है वीराचोला आइसोक्रेट से, जो ध्यान रखना है। और फ्रूट फटने की जो यानी फल फटने की फ्रूट क्रैकिंग की समस्या अनार के अंदर भयंकर समस्या मानी गई है, जो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर आपके सामने लाए हैं। फिर भी अगर ये सारे याद नहीं हो तो जो इंपॉर्टेंट बताए वो तो पॉइंट आपको याद करने ही है। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉप के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।